नगर सीएमओ द्वारा आज धाकड़ कॉलोनी की साफ सफाई व्यवस्था देखी गई, जिसमें वहां रोड पर पानी देखकर नाराजगी जताई। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा गलत दिशा में नालियों के बनाने के कारण ये हालत बने हैं, क्योंकि आगे दीवार है जिसके कारण पानी रोड पर ही एकत्रित हो जाता है। पूरी बात रिकॉर्ड करना पड़ती है ना, लिखेंगे क्या? यहाँ पर है ना, ये गली का पानी और उस गली का पानी लगातार है ना यहीं पर इकट्ठा हो रहा है, और ये समस्या है ना कम से कम 1-1.5-2 साल हो गए इस समस्या से। यहाँ पर बच्चों का भी रहना मुश्किल हो रहा है, और गंदगी के कारण यहाँ पर इतने मच्छर हो रहे हैं और बदबू के कारण तो यहाँ पर रहना भी दुश्वार हो गया है। क्या करें अब, किसी ने अतिक्रमण करके वहाँ पर मकान बना लिया है, उसके पास ना तो कोई रजिस्ट्री है और ना कुछ है। यहाँ पर लाहौटी जी ने बाउंड्री बना दी है, लाहौटी जी ने पहले ही 3 फिट की जगह दी थी यहाँ पर नाली की निकास के लिए, मगर यहाँ पर किसी ने वहाँ पर वो तीसरे नंबर की गली में किसी ने नाली के ऊपर मकान बना दिया है, नाले के ऊपर, और नाले का पानी निकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो सड़क बनाई गई थी जल्दबाजी में, इतनी सड़क बना दी गई है जिसका मतलब है ना पानी का निकास उल्टा हो रहा है यहाँ पर, जबकि सीधा होना चाहिए था, उल्टा हो रहा है। पानी हर गली का यहीं पर एकत्रित हो रहा है। कारण यही है कि ऊपर जो पानी का जो आगे निकलने का रास्ता नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष को, सलूजा जी को कई बार शिकायत कर चुके हैं, और इवन कलेक्टर साहब को भी कई बार उनको आवेदन दे चुके हैं, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। सीएमओ हेल्पलाइन में भी हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं।